Assalamu alaikum. In today's video, we are going to study examples of predicates and quantifiers. मतलब कि हमारे पास अगर एक proposition हमें given है, उसको हम variable form में कैसे change कर सकते हैं, उसके साथ quantifiers कैसे लगाएंगे, उसके साथ predicates कैसे लगाएंगे, और हम उस statement को propositional logic के अंदर, logical statement के अंदर या variable form में उस statement को कैसे change करेंगे. तो चलें वीडियो शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल लाइंस आर फियर्स. अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास ये तो एक फुल फ्लेज स्टेटमेंट है. इसके अंदर आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर आपके पास नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं is, am, are, do, did, done, has, have. इस टाइप के जो आपके पास सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स का थोड़ा सा आइडिया लेना बहुत जरूरी है. हेल्पिंग वर्ब्स is, am, are, has, have, do, did, would, could, can. इस टाइप के हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, बस ये थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए. इससे क्या होता है कि ये जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अंदर, अब आपको पता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर हमने इस पूरे के पूरे सेंटेंस को वेरिएबल में चेंज करना है. ठीक है, तो हम ऐसा कतई नहीं करेंगे पूरा सेंटेंस ही और उसको पी ऑफ एक्स में चेंज कर दी. नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारी हेल्प करेंगे कि एक सेंटेंस को आपने कितने वेरिएबल्स में ब्रेक करना है. जहां जहां आपके पास हेल्पिंग वर्ब आता जाएगा वहां वहां से आपका न्यू वेरिएबल बनता जाएगा. अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो उसमें लिखा है ऑल लाइंस आर फियर्स. आर इज हेल्पिंग वर्ब, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है. तो इसके पीछे जो भी वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव होगा वो आपका एक वेरिएबल बनेगा. ये फर्स्ट वेरिएबल है. इसके बाद आर आ गया, वहीं पे उसने ब्रेक कर दिया सेंटेंस. उसके बाद आपका सेकंड वेरिएबल आएगा. इसी तरह एग्जांपल नंबर टू में आप देखें, इसमें डू, डज, डोंट, ये डोंट का वर्ड आया है, यहीं पे सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा. ये आपका एक वेरिएबल और ये आपका दूसरा वेरिएबल. अगर आप ये समझ लें तो उसके बाद आपको उसको वेरिएबल फॉर्म में चेंज करना बहुत इजी हो जाएगा. सिमिलरली एग्जांपल नंबर थ्री में सम फियर्स क्रीचर्स डोंट, अगेन डोंट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया. तो उससे पहले एक वेरिएबल लगाएंगे आप, इसके बाद आप दूसरा वेरिएबल लगाएंगे टू चेंज दीज सेंटेंसेस इन टू प्रोपोजिशनल लॉजिक by using predicates and quantifiers. Last video में मैंने आपको बताया था कि quantifiers क्या चीज़ है और sentence में से आप कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास quantifier है. आपके पास कुछ words given होते हैं जैसे some, few, all, one, इस तरह के sentences. इस sentence के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है all. इस all को आप represent करें by using यूनिवर्सल क्वांटिफायर. जहां पे ऑल का वर्ड आता है वहां पे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल ऑफ एक्स यूज करते हैं. इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे एक वेरिएबल बनेगी. आप कोई भी वेरिएबल ले लें, पी ऑफ एक्स. इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आर का वर्ड. आर विल बी चेंज इन टू इम्प्लाइज साइन. Is, am, are हमारे पास implies के साइन में चेंज होते हैं. ये एंड में मैं आपको छोटा सा एक द साइड नोट बता दूंगी कि कहाँ आपने एंड का सिंबल यूज करना है, कहाँ आपने implies का सिंबल यूज करना है. नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स. यहाँ पे आपका एक और वेरिएबल आ जाएगा. लेट्स सपोज आप इसको q ऑफ x कर दें. नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑल लाइंस आर फियर्स. इसको हमने वेरिएबल फॉर्म में चेंज कर दिया. इस वेरिएबल फॉर्म में हमें इजीली क्वांटिफायर भी नजर आ रहा है, ऑल भी रिप्रेजेंट हो रहा है,
आर भी रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास, जो बाघ कहना चाह रहे हैं वो भी इजीली हम इस स्टेटमेंट को रीड कर से दोबारा हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर टू की तरफ। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सम का। सम के लिए हम ये वाला क्वांटिफायर लगाएंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स, लॉइंस पी ऑफ एक्स, डोंट, ये बात जरूर याद रखनी है आपने, डोंट के अंदर आ रहा है नॉट, नॉट के लिए आप नॉट का जो सिंबल है वो यूज करेंगे। लेकिन इस एम आर के अलावा आपके पास जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी आप हमेशा एंड का सिंबल, दो वेरिएबल्स को ज्वाइन करने के लिए एंड का सिंबल यूज करेंगे। डोंट ड्रिंक कॉफी के लिए आप सी ऑफ एक्स यूज कर रहे हैं और नॉट रिप्रेजेंट करने के लिए नॉट ऑफ एक्स। सम लाइंस डोंट ड्रिंक, ये नॉट जो है रिप्रेजेंट करे डोंट को, डोंट ड्रिंक कॉफी। अब हमने यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन इसलिए नहीं यूज किया कि मैंने जैसे आपको बताया है कि जब भी यहाँ पर सिर्फ इज एम आर या इफ एल्स आएगा वहां पे इम्प्लाइज का साइन आएगा, अदरवाइज बाकी हर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आप मेरी परफॉर्मेंस जब भी चेंज करेंगे तो दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए आप एंड ही लगाएंगे। ये दो सिंबल मोस्टली हम यूज करते हैं, या हम इम्प्लाइज यूज करते हैं या हम एंड का सिंबल यूज करते हैं। इम्प्लाइज जहां हमारे पास इज एम आर या हैज, कभी कभी समटाइम्स हम हैज की जगह भी ये लगा देते हैं, बाकी हर जगह हम सेंटेंस रीड करें उसको वेरिएबल्स उसमें से ढूंढें बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। एक सेंटेंस के अंदर कितने मेरे पास वेरिएबल में ही चेंज होगा जितने हेल्पिंग वर्ब्स आते जाएंगे। एग्जांपल नंबर थ्री देखें तो यहाँ पे भी सम का वर्ड है, सम फियर्स क्रीचर्स आपके पास देयर एग्जिस्ट एक्स, फियर्स क्रीचर्स डोंट ड्रिंक कॉफी, फियर्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, डोंट ड्रिंक कॉफी दोबारा हम एंड का सिंबल यूज करेंगे एंड डोंट ड्रिंक कॉफी को नॉट सी ऑफ एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज थ्री एग्जांपल्स। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मजीद एग्जांपल्स इसकी एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।